हाँ डॉक्टर आकाश, वी आर ऑन लाइव। ओके हम लोग कानपुर यूपी पेज और चाय पे चर्चा पेज पर लाइव हैं। ओके सर, बिल्कुल। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूँ अवधेश यादव, स्वागत करता हूँ आप सभी का कानपुर यूपी पेज और चाय पे चर्चा पेज पर। दोस्तों, इस पेज का ऐसा प्रयास रहा है कि हमेशा आप लोगों को अलग अलग फील्ड के लोगों के डॉक्टरों से मिलाया जाए, अलग अलग बीमारियों से जुड़े डॉक्टरों से मिलाया जाए। पिछली बार हम लोगों ने कार्डियोलॉजिस्ट से बात की, इस बार हमारे साथ जुड़े हैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर आकाश काले, जो कि खरगोन मध्य प्रदेश से हैं। डॉक्टर आकाश काले, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये कि आप कानपुर पे जो है, कानपुर यूपी और चाय पे चर्चा, बहुत शानदार इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं। और आजकल जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास फैमिलियों को डॉक्टर के पास जाने में ये डर लगता है कि उसकी फीस ज्यादा होगी, इसलिए हम कैसे पूछें, कंसल्टेशन कैसे लें। तो ये बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है, आपको साधुवाद देना चाहता हूँ मैं। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है कि अलग अलग विधाओं के, और उन विधाओं में भी अलग अलग पेथियों के डॉक्टर्स को जो है आप ले करके, और बहुत शानदार क्वेश्चनिंग और इंटरव्यूज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो थैंक मच। यू डॉक्टर। डॉक्टर आकाश काले हाईली क्वालिफाइड एंड होम्योपैथी फिजिशियन। ही इज फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर आकाश काले होम्योपैथी एंड रिसर्च खरगोन मध्य प्रदेश। मुझे ऐसा लगता है खरगोन मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, जिसके लिए एक तो शिव का जो जगह है, जो ज्योतिर्लिंग है जी ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर, वो जैन के जी जी आसपास बिल्कुल। के से टच करता हुआ खरगोन क्षेत्र। तो निश्चित तौर पर यहाँ से जो लोग रहते हैं वो लोग, महादेव की कृपा है उनके ऊपर, ऐसी ही बिल्कुल कृपा बिल्कुल आप पर बनी रहे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर आकाश, शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। जी बिल्कुल सर, आपका अप्रूवल है तो शुरू किया जाए आज का लाइव सेशन। जी जी बिल्कुल यादव जी, जी बिल्कुल शुरू कीजिए। बिल्कुल डॉक्टर आकाश, जो पहला सवाल आता है वो सवाल ये है कि अब लोगों का जो रुझान है वो रुझान एलोपैथिक की से हटकर या उससे थोड़ा सा डाइल्यूट होकर अब होम्योपैथी की तरफ जा रहा है, कैसा लगता है जी आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही सही चीज है कि व्यक्ति होम्योपैथी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि व्यक्ति एजुकेट ज्यादा हो रहे हैं। अब जो यंग जनरेशन आ रही है, एजुकेटेड आ रही है, वो क्या करती है, जब भी उनको कोई बीमारी होती है, गूगल पे जा करके सबसे पहले सर्च किया जाता है उसके बारे में, है ना। फिर डॉक्टर के पास जाया जाता है, डॉक्टर जो दवाइयां लिख के देता है उस दवाइयों को भी सर्च किया जाता है गूगल पर। तो व्यक्ति खुद ही इतना कॉन्शियस है हेल्थ के प्रति, बिल्कुल यादव जी, जी उन्हें जो है पता लग चुका है कि जो है पैरासिटामोल के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, स्टेरॉइड के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, एंटीबायोटिक के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो इन्हीं एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स के कारण उन्होंने अल्टरनेटिव कोई पैथी चाहिए, जैसे आयुर्वेदा हुई, होम्योपैथी हुई। अब होम्योपैथी की यदि मैं बात करूं तो होम्योपैथी की प्रचलन में आने के पीछे बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण तो यही है कि ये इजी टू यूज है, आप इसे पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, है ना, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। आयुर्वेदा जैसा इसमें कोई झंझट नहीं होता कि आपको पहले जो है शहद में उसको डाल के लेना पड़ेगा या उसका क्वाथ बनाना पड़ेगा और कड़वी होगी, सबसे पहले तो यहीं पर बात आती है। तो होम्योपैथिक दवाई बहुत मीठी मीठी होती है, इजी टू कैरी होती है, छोटी सी डब्बी आप घर में भी रख सकते हैं, जेब में रख के आप ऑफिस वर्क कर सकते हैं, और इसके यदि सही ट्रीटमेंट दिया जाए तो बहुत ही रैपिड रिजल्ट मिलते हैं, बहुत जल्दी और बहुत शीघ्र रिजल्ट मिलते हैं, न केवल जो है क्रॉनिक डिजीज में बल्कि एक्यूट डिजीज में भी, जहां पर इमरजेंसी केसेस होते हैं। हमने देखा है जैसे कार्डियक अरेस्ट यदि किसी को हुआ और उस समय आप यदि ECOLITE 30 यदि आपके घर में हो, आप दो बूंद पेशेंट के जीवन पे टपका देंगे, तो 85% चांस ये रहते हैं कि वो जो पेशेंट है हॉस्पिटल जाते जाते जो है उसे कुछ होगा नहीं, मतलब ये मैनेज हो जाएगा हॉस्पिटल जाते जाते। क्योंकि अधिकतर कार्डियक बीमारियों में क्या होता है, घर पर कुछ हुआ तो एम्बुलेंस में ही व्यक्ति की जान चली जाती है। तो ये बहुत शानदार रेमेडीज हम लोगों के पास है, इसी कारण से होम्योपैथी की तरफ रुझान जो है आज की जनरेशन का आया है, और ये प्रीवियस 10-15 साल से बहुत ज्यादा होम्योपैथी यूज होने लगी। जी यादव जी, बिल्कुल, इस समय आप सबके पास सहयोग बहुत सराहनीय रहा होम्योपैथी में, इसलिए जी भी आप जी सबको जी थैंक यू। सारे डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की। अच्छा,
अच्छा, जी दूसरा जी जो सवाल थैंक आता है, बहुत ही अच्छा है कि कोरोना अब धीरे धीरे खत्म हो गया। कोरोना का जी पहला फेज हमने देखा, दूसरा फेज भी देखा, पर जो दूसरा फेज रहा बहुत खतरनाक रहा, लोग की काफी डेथ भी हुई, मोटल काफी बहुत डेथ भी हुई। जी होम्योपैथिक जी ने बड़ा अच्छा काम किया, डेफिनेटली मैं बधाई देता हूँ सभी होम्योपैथिक के डॉक्टर्स को। लोगों ने अपनी थैंक यू इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कोरोना आपका होम्योपैथिक का सहारा लिया। थोड़ी छोटी छोटी दवाइयां होम्योपैथी ने बड़ा ही सहयोग किया और लोग ठीक भी हुए। इवन देन हमारे कुछ रिलेटिव भी थे, उन्होंने होम्योपैथी का सहारा लिया, उन्होंने भी होम्योपैथी की जी दवा जी लेकर अपने आप को बूस्टअप किया और अपने अपने आप को रिकवर किया। तो कैसा जी लगता जी था आपको कि कोरोना का दूसरा फेज, फिर होम्योपैथी दवाएं, कहाँ तक रहा आपका ये सफर? देखिए, सबसे पहले तो क्या था कि जैसे ही इंडिया में कोविड के केस बढ़ने लगे, नवंबर दिसंबर की बात है, 2019 की बात हो रही है ना, तो भारत सरकार ने क्या कहा सारे डिपार्टमेंट्स को, हेल्थ मिनिस्ट्री को और आयुष मिनिस्ट्री को, कि आप लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए ये हमें बताइए। तो जनवरी 2020 को आयुष मंत्रालय की एक मीटिंग हुई जिसमें होम्योपैथी डिपार्टमेंट, जो होम्योपैथी काउंसिल है, उन्हें भी कहा गया कि भाई आपके पास ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जिससे हम जो है कोविड की रोकथाम भी कर सके, और क्यूरेटिव दवाइयां क्या है, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दवाइयां क्या है। तब जो है डॉक्टर्स की टीम बैठी और उन्होंने देखा पूरे कोविड के पेशेंट जो हो रहे थे, उस समय चीन में बहुत ज्यादा थे, वहां के पेशेंट के जो सिम्टम्स आ रहे थे उन सिम्टम को ले करके और एक सिमिलिमम बनाया गया। यही सिमिलिमम जो है जीनस इपिडेमिकस कहलाता है, मतलब एक ऐसा जीनस इपिडेमिकस, एक ऐसी दवाई जिससे जो है मैक्सिमम केसेस को ठीक किया जा सकता है और प्रिवेंट हो सकते हैं अधिक से अधिक व्यक्ति। तब जो है आर्सेनिक एल्बम 30 नाम की जो दवाई है, वो आर्सेनिक एल्बम 30 एज ए जीनस इपिडेमिकस लाई गई और भारत सरकार ने इसको इतना प्रमोट किया, 3 दिन खाली पेट लेने का था केवल, इसको आप 3 दिन खाली पेट सुबह सुबह ले लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी लगभग 25 से 30 दिन तक बनी रहती है। तो बहुत बढ़िया काम होम्योपैथी ने कहा है किया है, एलोपैथी के साथ साथ में बहुत बढ़िया काम हुआ है। साथ में मैं बात करना चाहूंगा हम लोगों की, तो हम लोगों ने, क्योंकि मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो हमने उनके साथ में मिल करके 55,000 लोगों को दवाइयां दी, और वो दवाइयां क्योंकि भारत सरकार भी बांट रही थी पर सरकार जहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, जैसे हमारे यहाँ आदिवासी बहुत बड़ा बेल्ट है, सतपुड़ा में पूरा के पूरा फैला हुआ है, वहां तक न तो कोई एजुकेटेड है वहां पर और न गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा सेवाएं वहां पर पहुंच पाती है। तो हम लोगों ने वहां जा करके लगभग 55,000 लोगों को निःशुल्क आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण भी किया। साथ ही साथ 2020 में मार्च में मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसमें मैंने लगभग 10 प्रकार की होम्योपैथिक दवाई बताई थी कोविड के क्यूरेटिव फेज में, है ना, कोविड प्रिवेंशन के लिए, क्यूरेशन के लिए, और जो सीवियर कोविड हो रहा था उस समय उसके लिए। उस वो रिसर्च 180 देशों में पब्लिश हुई मेरी, और 180 देशों ने उसको देखा समझा, साथ में भारत सरकार ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे एक पत्र लिखा था, उसमें जो हमारा लास्ट प्रोटोकॉल बना था कोविड का आयुष को लेकर के, उसमें मेरी लगभग 5 दवाइयां सिलेक्ट की गई थी भारत सरकार की तरफ से, और वो पूरे जनमानस को लाभ दिया उन्होंने। तो काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है इस समय में, और होम्योपैथी में हम लोगों ने काफी हेल्प की, न केवल साधारण मनुष्य की बल्कि जो डॉक्टर्स थे जो आईसीयू में काम कर रहे थे या जो जो है हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे थे, उस समय जब वो घर जाते थे तो काफी डर का माहौल रहता था, भले 14 दिन वो क्वारंटाइन रह लेते थे फिर भी डर का माहौल रहता था। तो उन डॉक्टर्स को भी आर्सेनिक एल्बम दी गई, एमबीबीएस एमडीज को भी दी गई, साथ में उनके परिवार वालों को भी उन्होंने ली कि डॉक्टर साहब हमको तो, क्योंकि घर वालों की भी इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो हमने डॉक्टर्स को भी दिया, डॉक्टर्स के फैमिली मेंबर्स को दिया, सारे लोगों को दिया, और होम्योपैथी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से महामारी से लड़ी है और आज तक जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट मुझे मिले हैं। जितने भी मेरे पेशेंट थे और शायद कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जितने भी पेशेंट थे, बहुत कम ही केस आए जो व्यक्ति होम्योपैथिक दवाई ले रहा था उसे कोविड होने के बहुत कम केस देखने को मिले, तो काफी शानदार अनुभव मेरा रहा है यादव सबसे पहले तो एक कहावत आती है कि सर डर के आगे जीत, होम्योपैथी ने कर दिखाया, जी। जी जी आपने भी जी कर बिल्कुल दिखाया। आपके जो पेटेंट थे, आपकी जो दवाइयां थी सिलेक्ट हुई, भारत सरकार ने बहुत मदद की, लोगों को अवेयर किया, वो कोरोना से जी हमने जी जीत पा ली है। पर अभी भी हमको जी जी पीछे नहीं रहना है, मास्क का उपयोग करना है, 2 गज की दूरी को अपनाना है ताकि तीसरे फेज से का सामना ना करना पड़े।
जी जी डॉक्टर बिल्कुल आकाश, जो तीसरा सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि डेंगू डेंगू जैसा जो बीमारी है फिर से घर कर गई। हर साल होती है पर इस बार कुछ उसके जो लक्षण हैं लोगों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो या उत्तर प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र, पूरे देश में कहीं ना कहीं डेंगू का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। सरकारें बहुत फॉगिंग करा रही है, लार्वा को डिटेक्ट कर रही है, उनको खत्म कर रही, पर डेंगू फैल रहा है। नो डाउट कहीं ना कहीं डेंगू का जो वायरस है वो तेजी से फैल रहा है, लोग बीमार भी हो रहे हैं, बुखार चकत्ते पड़ना लोगों में आम एक हो गया है। तो मैं आपसे ये जानना जी जी चाहता हूँ कि क्या होम्योपैथी में ऐसी क्या कोई दवा है, या कैसे होम्योपैथी में हम अपने इस डेंगू को ठीक कर सकते हैं, इस बीमारी को कैसे हम खत्म कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। तात्कालिक परिस्थितियां बहुत खराब है, क्योंकि डेंगू एक्चुअल में उन लोगों को हो रहा है जो प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, पहली बात। और जैसे मलेरिया में लोग ये सोचते हैं कि गंदे पानी में ये मच्छर पनपता है और वो फिर हमको काटता है, ऐसा डेंगू में नहीं है। गंदे पानी तो ठीक ही ठीक है, अच्छे पानी में भी ये एडीज जो है वो फैल रहा है ना। अब ये जो मच्छर है, यदि किसी व्यक्ति को काट लेता है तो लगभग एक सप्ताह बाद भी उसके सिम्टम आ सकते हैं। इसका मतलब कि यदि आपका घर का वातावरण अच्छा है ना, इन द सेंस आपने पानी इकट्ठा आपके घर नहीं हुआ है, आप कहीं बाहर भी गए हैं और बाहर यदि आप 1 घंटे के लिए गए और उस मच्छर ने काट लिया, फिर आप घर पर आए तो एक सप्ताह बाद भी उसके सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। और व्यक्ति ये समझता है कि हमारे घर में तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा ये कि एडीज का जो मच्छर होता है, डेंगू का जो मच्छर होता है, वो सुबह सुबह काटता है ना, मतलब दिन में काटता है, 11 बजे से लेकर के लगभग 4, 5, 6 बजे तक जो है इसका एक्टिव पीरियड होता है। इस समय जो है व्यक्ति को काटता है, और इसी समय हम लोग अनकॉन्शियस हो, मतलब कॉन्शियसनेस हमको नहीं रहती। हम लोग जब शाम के समय जो है आते हैं या रात के समय सोते हैं, तभी हम ऑल आउट का उपयोग करते हैं या जो कॉइल होती है मच्छर की उसका उपयोग करते हैं। दिन भर क्योंकि हम लोग काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए ये सारी चीजें लगा नहीं पाते हैं, तो इसी कारण से बहुत ज्यादा फैल रहा है। अब यदि मैं होम्योपैथी की बात करूं, तो होम्योपैथिक डेंगू की हर एक स्टेज के लिए बहुत कारगर है। जैसे डेंगू की 3 फेज होती है। सबसे पहली होती है माइल्ड डेंगू फीवर, है ना, जिसमें हल्के पुल्के सिम्टम्स आते हैं, आपका फीवर हो जाता है, मसल एक होता है, जॉइंट पेन होता है। उसके बाद यदि आपने फिर भी ध्यान नहीं दिया, फिर आता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या होता है कि जो प्लेटलेट काउंट है वो बहुत कम हो जाता है, 50,000, मेरे पास केस आते हैं 20-20 हज़ार प्लेटलेट काउंट्स के। तो हेमरेजिक फीवर होता है जिसमें हेमरेजेस होते हैं बॉडी में, और ये हेमरेजेस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं, मतलब शरीर के अंदर भी हेमरेज हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। यदि शरीर के अंदर होगा तो लाल लाल चकत्ते देखने को मिलेंगे, है ना, स्किन पर रेडनेस देखने को मिल सकती है। और एक्सटर्नल जो है, जैसे मल द्वार के द्वारा खून का निकलना, या फिर उल्टी में खून का निकलना, पेशाब में खून का निकलना, है ना, तो ये सारी चीजें जो है देखने को मिलती है डेंगू में, तीनों टाइप से। अब यदि मैं एक एक टाइप की होम्योपैथिक दवाई की बात करूं, तो यदि हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना, तो प्रिवेंशन के लिए भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि यूपेटोरियम परफोरेटम 200 पोटेंसी में कोई भी व्यक्ति, बच्चे से लेके बूढ़ा तक, यदि लेता है सप्ताह में केवल एक बार सुबह सुबह खाली पेट, है ना। मैं आपको दवाई बता देता हूँ, और ये जो यूपेटोरियम परफोरेटम है, इसको यदि कोई भी व्यक्ति सप्ताह में केवल एक बार, एक दिन सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए संडे के दिन कोई व्यक्ति ले रहा है, तो सुबह सुबह केवल इसको खोलना है और डायरेक्टली जीवान पर 2 से 5 बूंद टपका लेना है। अब बच्चे हैं तो बच्चों को 1 चम्मच पानी में आप जो है इसकी 2 बूंद डाल के दे सकते हैं सप्ताह में एक बार, है ना। यदि आप जब तक ये डेंगू फीवर चल रहा है तब तक इसको लेते हैं, तो डेंगू आपको होगा ही नहीं, है ना। अब ये एक अलग बात है कि आप गंदे वातावरण में रहते हैं और मच्छरों के बीच में रहते हैं, तो वो एक अलग फैक्टर हो जाता है, बट इम्यूनिटी ये आपकी बढ़ा देगा, है ना। ये हुई फर्स्ट बात। दूसरा क्या होता है कि यदि किसी को कोविड हो गया है तो क्या करना है। अब कोविड यदि हो गया है, माइल्ड सिम्टम है, तो आपको एज सून एज पॉसिबल जो है आपके नियरेस्ट होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलना है, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सक आपकी पूरी केस चेकिंग करके और सिम्टम लेकर के सिलेक्ट और परफेक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बता सकता है ना। क्योंकि होम्योपैथिक जो दवाइयां होती है वो फुल्ली डिपेंड करती है इंडिविजुअल पेशेंट पर, हर एक पेशेंट की अपनी अलग दवाई हो सकती है होम्योपैथिक, है ना। अब यदि मैं बात करूं इन जनरल रेमेडीज की, कि ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो हर तबके का लोग ले सकते हैं, हर कोई ले सकते हैं,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूपिटोरियम बहुत शानदार दवाई निकल के आती है। 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में पेशेंट इसको कंज्यूम कर सकता है दिन में 3 बार। यदि किसी को बुखार लग रहा है, और क्योंकि डेंगू का हम ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार है ना, तो इसमें क्या होता है, हड्डियों में बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, मसल पेन, ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा होता है, तो यूपिटोरियम बहुत शानदार रेमेडी है। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार या 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार व्यक्ति ले सकता है इसको। साथ में अगली यदि हम बात करें, इसमें फीवर हाई ग्रेड फीवर होता है, तो हाई ग्रेड यदि आपको फीवर है और बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और कंजेशन बहुत ज्यादा हो रहा हैडेक बहुत ज्यादा हो रहा है और चेहरा एकदम लाल हो गया है यदि पेशेंट का, तो बेलाडोना एक बहुत बढ़िया दवाई आती है। बेलाडोना को 200 पोटेंसी में यदि रिपीटेटिव डोज दिए जाए, हर 2 से 3 घंटे पर 2 से 3 बूंद डायरेक्टली जीबान पर दी जाए, तो पेशेंट विथिन हाफ डे या 12 से 6 घंटे में ही पूरी तरीके से ठीक हो सकता है यदि सिम्टम मिलते हैं तो। ये तो हुई जो है मिडिल फेज की बात। अब यदि डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है, तब क्या होता है कि हेमरेजेस होने लगते हैं शरीर से, और ये जो हेमरेजेस हैं यदि एक्सटर्नल है तो दवाई अलग होती है, इंटरनल की दवाई अलग होती है। यूपेटोरियम तो सभी को लेना ही है क्योंकि इससे प्लेटलेट काउंट बढ़ेगी और हेमरेज जो है वो ठीक होगा। साथ ही साथ जो है यदि वॉमिटिंग में खून आ रहा है, किसी को उल्टी हुई उसमें खून के थक्के दिखने को मिले, तो फॉस्फोरस एक बहुत बढ़िया दवाई है होम्योपैथी की। फॉस्फोरस को 200 पोटेंसी में यदि पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार दिया जाए, केवल 3 से 4 डोज ही देने पर वॉमिटिंग भी बंद हो जाएगी और खून जो वॉमिटिंग में आ रहा है वह भी बंद हो जाता है ना। डॉक्टर इसके साथ आकाश, में यदि डॉक्टर मन में जो आकाश, है, जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको। बहुत अच्छी दवाई जी बता जी रहे हैं आप, मैं थोड़ा आपको रोक इसलिए रहा हूँ। जो इस जी समय डेंगू के साथ साथ मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी गर्मी हो रही है, दिन में गर्मी हो जाती है, रात में सर्दी हो जाती है, जुकाम जी बुखार का जी भी एक और क्रेज मैंने चल रहा है। बहुत तेजी से बुखार आता है, फिर चला जाता है, जुकाम भी हो गया, मेरे को भी हल्का सा जुकाम बना हुआ है। तो मैं आपसे जी जी बिल्कुल सजेशन चाहूंगा, क्या नॉर्मल बुखार में कोई ऐसी दवा है जो हम लोग ले सकते हैं? जी बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन मैं आप सभी को बताता हूँ जो आप घर पे बना करके रख लीजिए, और इस कॉम्बिनेशन से आप बच्चे को, बूढ़ों को, जवान को, सबको दे सकते हैं। चाहे वो बरसात में तबीयत खराब हो रही हो, गर्मियों में हो रही हो या ठंड में हो रही हो, सभी में काम आएगा। सबसे पहले आपको कैरिका पपाया का जो मदर टिंचर होता है, मतलब जो आपके पपीता के पत्तों का अर्क होता है होम्योपैथी में, उसको लेकर के आना है मार्केट से। साथ में टीनेस्पोरा कार्डिफोलिया एक हमारी मेडिसिन है जो गिलोय से बनती है, कि टीनेस्पोरा कार्डिफोलिया का भी मदर टिंचर बहुत बढ़िया काम करता है, उसको भी आप लेकर के आ सकते हैं। साथ में एजाडिरेक्टा इंडिका, मतलब नीम जो है उसका मदर टिंचर, उसका अर्क वो भी बहुत शानदार है, उसको भी आप लेकर के आए। ओसिमम सेन, ओसिमम सेन मतलब तुलसी, तुलसी का मदर टिंचर भी आप ला सकते हैं जो होम्योपैथी के मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। साथ में जो है चाइना, मतलब चाइना ऑफिसिनेलिस हम लोग बोलते हैं, उसका मदर टिंचर है, और इचिनेशिया मदर टिंचर। ये सारे मदर टिंचर, 5 से 6 मदर टिंचर है, यदि आप 10-10 ml भी ले आते हैं तो आपका लगभग 50-60 ml ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। उसको अच्छे से शेक कर लीजिए। जब भी किसी को कोई भी सिम्टम देखने को मिले, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कंजेशन, हेडेक, सभी में काम आएगा ये। आपको हाफ कप पानी लेना है, उसमें इसकी 10 बूंद डाल देना है और खाली पेट सुबह सुबह पी लेना है। ऐसे ही दोपहर को, शाम को, रात को पीना है। दिन माने में सारी 4 बार दवाई यदि आप पेशेंट डॉक्टर को दे देते हैं जी, सारी दवाइयों को बराबर मात्रा में मिलाना है ना। 10-10 ml मिला रहे हैं तो 10-10 ml, 20 मिला रहे हैं तो 20-20 ml, इक्वल अमाउंट में मिला करके वो कॉम्बिनेशन बना लीजिए। दे आप मेडिकल स्टोर पे बोलेंगे तो वही बना के दे देते हैं। आप इसको हाफ कप पानी में 10 बूंद डाल के लीजिए दिन में 4 बार। बच्चे हैं तो ये जो डोज है वो हाफ हो जाती है, 5 बूंद 1 कप पानी में डाल करके आप ले सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं दिन में 2 बार। ये बहुत ही शानदार रेमेडी है। मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि इससे टाइफाइड भी ठीक होता है, आपका जॉन्डिस ठीक होता है, मलेरिया ठीक होता है, डेंगू ठीक होता है, और कोविड में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन से ही आपकी जो सिकनेस है वो दूर हो जाएगी यादव जी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर काले आपने। डॉक्टर आकाश, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को बधाई देता हूँ, हमने कोरोना पर नियंत्रण पा लिया है, तीसरा फेज नहीं आने देंगे, सरकार भी नहीं आने देंगे और हम लोग भी नहीं आने देंगे। हम लोग प्रॉपर मास्क लगाएंगे, 2 गज की जी जी दूरियां बनाएंगे, है ना, और त्योहारों को बड़ी ही शालीनता से मनाएंगे, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रखेंगे ताकि तीसरा फेज हम लोग ना देख सके। एक लास्ट मैसेज जी आपसे जी चाहूंगा, फेसबुक के माध्यम से आप लाइव इस समय, बहुत ही कीमती समय लिया मैंने आपका, क्या एक मैसेज हो आने वाले समय को लेके, क्या एडवाइस हो आपकी?
देखिए, सबसे पहले तो आप जितने भी व्यक्ति मुझे देख रहे हैं सभी होम्योपैथी को प्राइमरी चिकित्सा के रूप में लीजिए, है ना। हम लोग क्या होता है कि हम लोगों को हेडेक हुआ तो हम मेडिकल स्टोर पे जाके और उससे उसी को डॉक्टर मान लेते हैं और उसे टेबलेट ले लेते हैं, है ना। तो होम्योपैथी को प्राइमरी चिकित्सा के रूप में यदि आप लेते हैं, यूज करते हैं, तो आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ठीक होगी, रूट क्योर होगा, है ना। तो आप प्राइमरी चिकित्सा के रूप में होम्योपैथी को अपनाएं। चाहे छोटी से छोटी बीमारी हो, सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, जुकाम हो, या सीरियस कोई भी क्रिटिकल केयर डिजीज क्यों ना हो, आप होम्योपैथी को अपना सकते हैं और होम्योपैथी आपको कभी निराश नहीं करेगी। आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर मिलें और उनको अपना फैमिली फिजिशियन बना लें, ताकि एज सून एज पॉसिबल आपको जब भी कोई दिक्कत हो आपको ऑन कॉल वो दवाई बता दे और आप यूज कर सकते हैं। साथ में होम्योपैथी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती है, बहुत सस्ती होती है, आप उसको इजिली ले सकते हैं। और यादव जी, एक बात और बोलना चाहूंगा, मैं खुद यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब पे मेरा डेली लाइव क्लिनिक होता है रात को 8:30 बजे। तो यदि आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप लाइव क्लिनिक पे आके मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा, जिससे निश्चित ही आप ठीक हो जाओगे। तो ये एक संदेश मेरी तरफ डॉक्टर बिल्कुल डॉक्टर से। आकाश जी, डॉक्टर आकाश जी, कानपुर यूपी पेज और चाय पे चर्चा पेज आपको धन्यवाद देता है, आपने कीमती समय दिया। साथ ही आपसे हम गुजारिश करेंगे, आने वाले सेशंस हम लोग जरूर करना चाहेंगे आपसे, मोटापे को लेकर, महिलाओं को में होने वाली बीमारियों को लेकर, या और भी किसी बीमारियों को लेकर जिसमें होम्योपैथी में उपचार संभव हो। लगभग सभी उपचार संभव है, हर किसी न एक जी मुद्दे पर जी आपसे हम बात करेंगे, आपका हम जी जी अप्रूवल बिल्कुल चाहेंगे इन सब के लिए, कानपुर पेज और चाय पे चर्चा के पेज के माध्यम से, कि आप लोग समय समय जी पे जी अपनी एडवाइस देते रहेंगे हमारे जो व्यूअर्स हैं, या जो लोग इस यूट्यूब फेसबुक के थ्रू जो लोग देख रहे हैं, उनको आपकी एडवाइस मिलती रहेगी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, आप जब भी पुकारेंगे हम लोग आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। चलिए सर, आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। थैंक यू थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू।